तो प्री के एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो के बारे में अगर बताना चाहूँ कि व्हाट्सएप के रिगार्डिंग है, आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि अलग अलग न्यूज़ों पे सारी नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या है। अब तुरंत ही एक नया अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप है, वो क्या है सारी वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों जहां तक आप बात है व्हाट्सएप की, तो दोस्तों इसमें व्हाट्सएप ने किया क्या है वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 8 फरवरी से जो है व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो रही है। और बात आती है यहाँ एग्री किया है या नॉट अलाउ किया है, जिन्होंने एग्री कर दिया है उनका क्या प्रॉब्लम है और जो नॉट अलाउ किया है उनके पास क्या मैसेज अब दोबारा से आ रहे हैं, तो उसी के बारे में आज चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों जो एग्री कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए ये करना है कि दोस्तों आप वेट करें 8 फरवरी के बाद जो भी आईटी की ओर से जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होंगी उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। लेकिन 8 तारीख से पहले थोड़ा सा अपना जो भी डेटा वगैरह हो सारी प्राइवेट चीज़ें प्राइवेसी थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा और उन चीज़ों को रनिंग में मत लीजिएगा। 8 तारीख से पहले ही 5 या 6 तारीख तक आप अपना सारा डेटा कलेक्ट कर लें और उसके बाद 2 या 3 दिन थोड़ा व्हाट्सएप बंद रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जो नॉट अलाउ किया है उनके पास मैसेज किस तरह से आ रहे हैं, हमने यहाँ डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे सेव कर रखा है और यहाँ हम पहला स्क्रीन दिखा रहे हैं आपको व्हाट्सएप का। इस तरह से ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप जहाँ आप स्टेटस लगाते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली ये स्टेटस पे ऑटोमेटिकली आपके अपडेट होता हुआ जा रहा है कि स्टेटस पे शो हो रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट दिया हुआ है कि व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट विथ फेसबुक, कि व्हाट्सएप जो है शेयर नहीं करता है फेसबुक के साथ। तो दोस्तों पहला ये है, सेकंड हम आपको यहाँ नोटिफिकेशन में दिखा दें, सेकंड आ रहा है कि व्हाट्सएप कांट सी योर शेयर लोकेशन, और व्हाट्सएप जो है आपकी जो शेयर लोकेशन को जो है शेयर नहीं कर सकता है। और तीसरा जो मैसेज व्हाट्सएप पे जो स्टेटस पे शो हो रहा है तो दोस्तों वो ये है, तो दोस्तों तीसरा मैसेज जो है आप देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप कांट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्जेशन एस जे आर एन टू एन एनक्रिप्टेटेड। तो दोस्तों जो भी आपकी बात हैं शुरुआत से लेके लास्ट तक की या कोई भी पर्सनल मैसेज हैं उनको ना तो रीड कर पाएगा ना लिसन कर पाएगा, ऐसी चीज़ों को व्हाट्सएप नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन अभी छोड़ा जा रहा है। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो शो हो रहा है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी, कि हमने आपकी प्राइवेसी का सुरक्षा का सारी चीज़ का कमिटमेंट किया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या हकीकत है क्या सच है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप 8 तारीख तक इन चीज़ों को सारी चीज़ों को प्राइवेसी रखें और ज़्यादा व्हाट्सएप पर प्रेशर ना करें और ना ही कोई ज़्यादा ऐसी अपनी सारी चीज़ों को शेयर वगैरह करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक सहमत होंगे तो व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को आपके हित में रहेगा। तो दोस्तों जब तक आईटी से कोई भी कमेंटमेंट नहीं आ जाता है तब तक आप इन चीज़ों को सावधानी बरतें, सारी चीज़ों को एक करें। और जो लास्ट मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने सर्किल भी किया हुआ है, व्हाट्सएप इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास आ रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ है पेशेंस, बिकॉज पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आप सतर्कता बरतेंगे और सभी को सतर्क करेंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर कंटिन्यू करते रहें।